हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पी हो सकता ना ऑलराउंडर। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और जाना अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और मैं हूँ प्रीति एंड पीयू। और मैं और क्या कर रही हूँ, आज का थीम है, आज का थीम क्या, आज काम तो निपट गया है ऑलमोस्ट। और बच्चे खाना खा रहे हैं, क्या खा रहे हो बताओ? दाल चावल। हाँ, और अल्ट्रा रोटी सब्जी बनाई है, तो बच्चे सब्जी नहीं खा रहे हैं, केवल दाल चावल रोटी। और ये हीरो बन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पीयूष? तो पीयूष आयुष दोनों खाना खा रहे हैं। और फिर मैंने और की रेडी लगा दी, तो और नहीं तो थोड़ा सा मैं जा रही हूँ फ्रिज की साफ़ सफाई करने। और फिर और सॉरी, मेरा और रॉ निकलता है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी आदत में पड़ गई और बोलने। तो मैं क्या करती हूँ, अपने वैसे तो सभी लोग अपनी अपनी फ्रिज साफ़ सुथरी बहुत अच्छे से रखते होंगे मुझे पता है, लेकिन मैं कैसे रखती हूँ। वैसे मैंने कई बार पहले एक कई वीडियो बनाया, वो काफ़ी पुराना हो गया, पीछे जाएंगे तो देखेंगे। फ्रिज को आप अपने खास देखभाल में कवर कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें मैंने बताई थी। तो मैं फिर आज करने जा रही हूँ, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो चलो चलते हैं फटाक से अपने फ्रिज को मेक ओवर करते हैं, हमारी फ्रिज जल्दी से गंदी ना हो जाए और हमारी फ्रिज मतलब सालों साल नई जैसी लगे, कैसी लग सकती है। और क्या करना चाहिए, हमेशा हमेशा फ्रिज को धुलना ना पड़े, धुलनी भी नहीं चाहिए। कोशिश करें कि फ्रिज को अच्छे से रोज नहीं पोंछ दीजिए, साफ रहे तो बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होगी और कुछ स्क्रैच ना आए। तो ऊपर से तो हम पोंछते रहते, अंदर से कैसी देखभाल चाहिए, तो चलो देखते हैं। आपने फ्रिज मैट तो सुना होगा, मार्केट में भी फ्रिज मैट मिलता है, थोड़ा सा मैं बजट में ही आप लोगों को बताती हूँ, हमेशा बजट में ही बताती हूँ, तो आज भी बजट में ही बताऊँगी। 500-600 हज़ार रुपये तक का खर्चा आएगा अगर फ्रिज मैट लेने जाएंगे। अगर थोड़ा सा कम बजट में चाहते हैं जुगाड़ू, तो वैसे मैं बताने वाली हूँ, तो आप भी करके अपने फ्रिज को एकदम बढ़िया स्टाइलिश बना सकते हैं और फ्रिज में स्क्रैच नहीं आएंगे, पीलापन नहीं आएगा, सालों साल नई जैसी चमकती रहेगी। और चलो करते हैं कैसे मतलब क्या करना है, और बताते ज़्यादा टाइम नहीं करते, तो आपको बताते हैं क्या है वो चीज़ बजट में बहुत ही सस्ती आएगी, मतलब 50 रुपये में, 50 ज़्यादातर 60 रुपये रख लीजिए, इसमें आपका पूरा फ्रिज का अंदर का जो है बिल्कुल मेकओवर हो जाएगा गाइस। आप भी देखिएगा, आप भी देखेंगे कि हाँ ऐसा करने से फ्रिज हमारी बहुत अच्छी रहती है। अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते ये उसकी उनकी जानकारी के लिए। तो गाइस तो आप लोग चलो देखते क्या करने जा रही हूँ मैं फ्रिज के साथ। तो मैं इधर कैमरा फिट कर लेती हूँ और ये मैंने फ्रिज खोली, पहले तो पूरा फ्रिज से जो आइटम रखा है वो हटाएंगे सारी चीज़ें हटाएंगे। हटाने के बाद पहले हम एक ट्रे निकालते हैं, आपको समझा देते हैं। नहीं 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 हटो, क्यों हटो, आपको समझा एक मिनट एक मिनट। तो पहले आप देखिए ये क्या है, ये मेरी ट्रे है, फ्रिज में जो ट्रे लगती है जिस पे हम सारी चीज़ें रखते हैं। और ये आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो यही इसी चीज़ की मैं बात कर रही थी, मैट कवर। तो गाइस ये मैट कवर कोई मैट कवर नहीं है, मतलब फ्रिज कवर, अरे सॉरी फ्रिज कवर, हाँ फ्रिज मैट, सॉरी फ्रिज मैट नहीं है, इसको मैंने जुगाड़ से ही बनाया है। जब से मेरी फ्रिज आई है तब से मैंने किया है, और जहाँ मैं रहती थी वहाँ पर ही मतलब फ्रिज, 2 साल पहले मैं जहाँ रहती थी वहाँ पर फ्रिज आई है, तब से लेकर आज तक मैं यही काम कर रही हूँ जुगाड़ू वाला, तो तब से मैंने लगाया था। बहुत फ्रिज भी अच्छी लगती है, कलरफुल हो जाती है, और दूसरी हमारी फ्रिज बहुत अच्छी रहती है। तो ये क्या है आप समझ नहीं पा रहे होंगे, तो मैं बता देती हूँ आपको, ये है हमारी, ऐसे फोल्ड करिए, तो मार्केट में ऐसी फाइल्स आती हैं,
और यहाँ पर ऐसे रॉड्स लगे होते हैं। ये फाइल थी गाइस, ये फाइल है। तो अब देखिए ये है फाइल, इसे खोलने पे ऐसे होती है, ठीक है। तो आप जब मार्केट जो बुक स्टॉल होती है ना, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। वहाँ पे 5 से 10 रुपए में, ज़्यादा अच्छा क्वालिटी चाहिए 8 रुपए में या 10 रुपए में मिलेगा, तो आप वो ले लीजिए। उसकी स्टिक जो होती हटा दीजिए, ये पतले से होते हैं और बस इसको इसी का काम रहता है। आपका अगर शीशे वाला है, फाइबर वाला है, तो उसके ऊपर भी आप इसको एकदम फिक्स कर सकते हैं। फिक्सर एकदम बिल्कुल बढ़िया फिक्स कर दीजिए। मेरा तो जाली वाला है, तो मैं इस पर ऐसे कर देती हूँ। देखिए बहुत ही सिंपल, मैं इसको ऐसा करके इसी पे दबा देती हूँ सारी, दबा दिया। अब उसके बाद ऐसे मैं फिट कर देती हूँ फ्रिज में, ताकि हमारा जो मैंने खाना रखा, कभी कभार बच्चे हैं दूध गिरा दिया या हम ही से कुछ ना कुछ गिर जाता है, ऐसा तो है नहीं गिरता नहीं, गिरता जरूर है, तो जो भी गिरेगा तो उस पर गिरेगा। हमारा अगर फाइबर वाला है तो उस पर नहीं लगेगा, और दूसरी चीज़ें गिरा तो इस पर गिरा, तो हमने एक कपड़ा लिया उससे साफ कर लिया। तो ये हमारी फ्रिज के बचाव के लिए बहुत अच्छा है, और अच्छा भी लगता है देखने में। तो मैंने कलरफुल भी लिया था, तो इसको मैं साफ कर रही हूँ। तो एक कपड़े से साफ कर लेंगे, आप चाहो तो उसको ज़्यादा गंदा हो जाए तो धुल भी सकते हैं, धुल लीजिए, नहीं ज़्यादा गंदा है तो साफ कर लीजिए। ऐसे ही साफ कर लीजिए तो फ्रिज भी आपकी साफ सुथरी रहेगी। तो मैंने तीनों दी के ये लगाया है, आपको दिखाते हैं। तो फैमिली इसी तरह हम पूरा अपना गीले कपड़े से पूरा साफ कर लेंगे। देखिए वैसे थोड़ा बहुत गिर जाता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, बाकी आप इसे धुल लीजिए। मैं तो धुल भी देती हूँ, जब धुलने का मन करता है तो धुल भी डालती हूँ। तो देखिए साफ हो गया, शाइन करना है। अभी इसको हम इसमें फिक्स कर लेंगे, ठीक है, और इसी तरह सारे हम साफ कर लेंगे। और आप सोच रहे होंगे जो बोतलें रखी जाती हैं वहाँ पे कैसे, तो वो भी मैं अभी बताती हूँ आपको। तो फैमिली ये देखिए आपको, अब तो बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये फाइल है। मैंने वो कलर खोल ली थी, ये देखिए दिख रहा है ना, ऐसी फाइल होती है और इस पर स्टिक लगी होती है। बस हमें स्टिक हटाना है और अपनी फ्रिज पे इसको मैट को बिछा देना है। तो ये मेरा जो वो जिसपे सब्जी बास्केट होती है, जिसपे सब्जियाँ रखी जाती हैं, उसके ऊपर का शीशा जो था स्टार्टिंग में कुल दिन चला और अपने चिटक गया। पहले शीशे का नहीं आता था, तो मेरे में शीशा लगा था तो चिटक गया, टूट गया। और ये फाइबर देखिए, तो जहाँ मैं रहती थी वो भैया ने, भैया से उनसे काफ़ी मतलब भैया से कहा कि भैया मेरा जो टूट गया, तो भैया ने देखिए जुगाड़ से बना दिया। तब से आज तक मैं उसमें लगाती हूँ फ्रिज में, और वैसे ही लगता है। तो जहाँ मैं रहती थी, मकान मालिक हमारे मतलब कुछ भी काम बोल दो तो करते थे, मेरा सुन लेते थे। तो जैसे मैंने कहा वैसे भैया ने बना दिया, आज भी मैं उस पर लगाती हूँ, सामान भी रख देती हूँ, तो ये टूटता भी नहीं है। भैया ने काट के बनाया और बहुत मतलब काम हेल्प बहुत कर देते थे। टीचर तो हैं लेकिन भैया को बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे हेल्प भी करते हैं सबकी, मेरे लिए भी तो काफ़ी किया तो करते हैं। तो ये लगा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें करी है, बाकी धीरे धीरे बताऊँगी। तो फैमिली आप ये देखिए, ये भी फाइल है। बस एक फाइल को मैंने अपनी मतलब फ्रिज के आकार में जो यहाँ पर रखा जाता है ना, वैसे ही काट लिया है और तीनों में बिछा दिया, मतलब तीन रैक बने हुए हैं तो तीन रैक में मैंने बिछा दिया है। और उसके बाद अपना इसमें सामान रख दीजिए, कुछ भी इसमें स्क्रैच है या कुछ गिरता तो इस पर गिरेगा, बाकी आपका जो फ्रिज है ना उस पर कुछ नहीं होगा, ना दाग लगेगा ना धब्बा लगेगा, साफ़ सुथरी आपकी फ्रिज होगी, बहुत ही मतलब बढ़िया। क्योंकि आप देखिए मैंने तीनों में बिछाया है, कटिंग करके आप अपनी फ्रिज के साइज़ के हिसाब से कर सकते हैं। और जो हम बोतल वगैरह भी रखते हैं ना, तो दाग पड़ता है, आप देखिए
से दाग पड़ता है तो फ्रिज पे नहीं पड़ेगा, हमारी इसी के ऊपर पड़ेगा। तो बस इसको ही हमें पोंछना रहेगा, ठीक है। हम इसको साफ कर लेते हैं। इसी तरह हम अपनी फ्रिज को एकदम साफ सुथरी रख सकते हैं, सालों साल एकदम नई जैसी रख सकते हैं और हमारी फ्रिज भी साफ रहेगी, दाग भी नहीं पड़ेगा। और इसमें अगर आप भी चाहते हो, अगर आपका आपका मन और दिल करता है मेरे जैसा, तो आप भी ऐसे ही बजट में फ्रिज मैट बना लीजिए दीवाड़ से, तो बहुत ही अच्छा है, कंफर्ट भी है, आराम भी है, आपको जल्दी जल्दी फ्रिज के सब पल्ले निकाल के धोने नहीं पड़ेंगे। अब देखिए मैं इसी तरह 15 दिन में कर लेती हूँ तो फ्रिज हमारी एकदम साफ सुथरी काफ़ी। आज फ्रिज को मेरी शायद 5 साल हो रहा है गाइस। आप देखिए पूरी अब फ्रिज मैंने ऐसे ही साफ करती रही पूरी अंदर से देखिए, तो देखिए एकदम साफ सुथरी मेरी फ्रिज है और एकदम अंदर से बिल्कुल नई जैसी चमचमाती चमकती रहती है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसी तो आप भी कर सकते हैं। लग रही है ना एकदम साफ हो जाता है। और ऐसे ही आप भी अपनी फ्रिज को बाहर से तो करते हैं, अंदर से भी ऐसे ही आप फटाफट कर सकते हैं साफ़ सुथरा। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत, तो ये सब चीज़ें नहीं होता, लेकिन फ्रिज मेरी कभी भी वो नहीं हुई है। तो गाइस जैसे हमारी फ्रिज बाहर से साफ सफाई मांगती है ना, उसी तरह हमारी फ्रिज अंदर से भी साफ सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि मेन आप एक बार बाहर नहीं करोगे थोड़ा चल जाएगा, लेकिन बाहर करना तो भी ज़रूरी है, ख़राब लगता है, डस्ट बैठ जाती है और आजकल तो बहुत ज़्यादा डस्ट आ रही है, सबके घर में ही आ रही होगी। आप कमरा बंद भी रखो तब भी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। जिस तरह हम बाहर की साफ सफाई फ्रिज पे करते ना, तो अंदर की, क्योंकि अंदर तो मेन हमारा खाना पीना ही रखा होता, सब्जियाँ रखी होती, दूध रखा होता, तो बहुत सारी चीज़ें रखी होती फ्रिज में, तो फ्रिज को बहुत अच्छे से केयरिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस देखिए अब फाइनल आप देख लो मेरी फ्रिज अंदर से बाहर तक पूरी साफ सुथरी फ्रिज है। देखिए मैं इस पोर्शन में अपना ब्यूटी रेमेडी वगैरह रखती हूँ, क्रीम्स वगैरह रखती हूँ, लिपस्टिक भी रख देती हूँ कभी कदा, तो यहाँ खाने पीने का सामान होता है, यहाँ पर सब इसमें सब्जियाँ होती हैं, सबका अलग अलग है। और फ्रिज मेरी देखिए लग रही ना साफ सुथरी अच्छी सी, तो अभी मिलते हैं। तो गाइस मैंने फ्रिज साफ़ करी आपके सामने। अगर आपको ये मेरा फ्रिज साफ करना, साफ रखने का तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, अगर कुछ समझ में ना आया हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पापा भी आ गए हैं, बाबू भी आ गए हैं, सब लोग आ गए हैं, तो अभी खाने पीने का टाइम होगा, तो ये कम देखने को मिलते हैं। कुछ बोल रहा हूँ साफ सफाई करिए बाबू ने। हाँ फ्रिज की करिए, पूरे घर की मन तो कर रहा है लेकिन गर्मी से इच्छा नहीं कर रही है, तो फ्रिज की सफाई करिए। तो भैया बैठे हैं, मैं पसीना चूरा है। अपनी फैमिली को भी हमने सोचा बता दो, जो मैं जिस तरीके से साफ रखती हूँ इसलिए सबको बता दी कि हम फ्रिज की कैसे देखभाल, मतलब मैं कैसे करती हूँ। तो मुझे अपना तरीका अच्छा लगता है, लेकिन काफ़ी लोग अपनी सभी लोग करते हो, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहती आप लोग नहीं करते हो, करते हो, मतलब मैंने थोड़ा तरीका बताया। अगर आपको अच्छा नहीं मालूम है तो आपको अगर अच्छा लगे तो मेरा तरीका अपना लेना, मेहनत से आई ना बाबू की इसलिए तो बहुत मेंटेन से मैं रखती हूँ, क्योंकि गाइस वही मैं समझ रखती हूँ कि बहुत ज़्यादा मैं केयर करती हूँ बस, क्योंकि मेहनत की चीज़ें जो अपने आप से जब इंसान बनाता है ना तो ऑटोमेटिक उस पर कुछ भी बहुत अच्छे से केयरिंग करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें दोबारा बार बार नहीं लेनी होगी तब आ भी जाएगी, लेकिन ये भी ये सब चीज़ें मेरी फर्स्ट है तो मैं बहुत केयर करती हूँ। तो कैसी लगी कमेंट करना, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और कल का देखेंगे क्या करते हैं, अभी तो नहीं पता, कल अभी का तो पता नहीं, कल का क्या बताएं। तो गाइस मिलते हैं आपसे कल, क्योंकि आप सबको खाना पीना खिलाना है, टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है, अब आयुष की हो जुलाई में स्कूल जाएंगे, जुलाई से ही नया सेशन चालू, मतलब नया चालू हो गए लेकिन भेजेंगे हम जुलाई से। और वो जो कर रहा हूँ मैं चालू जुलाई पापा दिखा दो
ये देखिए मजनू ऐप से बने हुए हैं। हाय तो बोला नहीं किसी से। हाय। तो फैमिली मिलते हैं कल, जाते जाते खुद का ख्याल रखो, सबसे पहले खुद का ख्याल रखो, मम्मी पापा का ख्याल रखो और जिसे प्यार करते हो उसका ख्याल रखो। तो लव यू फैमिली, मिलते हैं कल, बाय।